हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथ जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग कर रहे हैं, डॉक्टर का बनने का सपना देखे हुए हैं, कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं। तो यार देखो, तुम्हें भी पता है काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट भी आ गया है फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया लेवल से। अब स्टेट की अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन फर्स्ट स्टेट पे अगर हम एम्स की बात करें, क्योंकि हर बच्चे का ज्यादातर सपना होता है कि हमें एम्स जैसे कॉलेजेस मिले, क्योंकि टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं, राइट। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में तो लोग चाहते हैं आईआईटी से एनआईटी से उन्हें मिले। अगर हम बात करें यहां पर एमबीए में तो लोग चाहते हैं कि उन्हें आईआईएम जैसे कॉलेजेस मिले, और यहां पर मेडिकल में लोग चाहते हैं एम्स जैसे कॉलेजेस मिले। सो एम्स का फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या गया है, इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी से देखेंगे, वीडियो काफी लंबा होने वाला है बट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो सेकंड राउंड हो रहा है कितना क्या जा सकता है। ओके, सो जल्दी से हम इसको देखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नो मेडिकल एंड साइंस भटिंडा, मतलब एम्स भटिंडा का, राइट। सो एम्स भटिंडा की अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिंग आपको कितनी क्या गई। अब देखिए दो चीजें यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर पहले लिखा है ईडब्ल्यूएस जनरल और जनरल पीडब्ल्यूडी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ये क्या है। देखो सीधी सी बात है, हम कैटेगरीज वाइज बताने वाले हैं कि कैटेगरीज वाइज कितना क्या कट ऑफ गया है। जब आप रैंक जाके देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, आप वहां पर समझ नहीं पाओगे, बट हमने यहां पर बिल्कुल कैटेगरी वाइज यहां पर कर दिया है। एससी में ओपनिंग रैंक कितनी थी यहां पर 12,000, क्लोजिंग कितनी हुई 23,000, ओपनिंग एसटी में कितनी थी 29,000 और यहां पर एसटी में कितनी हुई 43,000। अगर हम ओबीसी की बात करें तो कितने से चालू हुई थी, क्लोजिंग कितने पे हुई थी, ये दोनों चीजें गई है कि 19 पे ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग कितने पे हुई है 28, यहां पर 2,863 पर क्लोज हो चुकी है। अच्छा अब देखो यहां पर EWS PWD क्या है, ओपन PWD क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि यहां पर कैटेगरीज होती है, जैसे आपने सुना होगा जनरल, राइट, एससी एसटी ओबीसी, सो ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूं कि यहां पर कैटेगरीज जनरल वालों के लिए कोई कोटा नहीं होता है, तो EWS कैटेगरी आती है। ऐसे लोग जो गरीब है और EWS सर्टिफिकेट बनता है कि 1,000 acres से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए आपके पास, यू नो, सॉरी 1,000 acres बोल रहा हूं मैं, 1,000 square feet से ज्यादा का आपका मकान नहीं होना चाहिए, 4 acres से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 8 lakh से कम होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में क्राइटेरिया अलग अलग होता है इसका, तो EWS उसको कहते हैं। अब मान लीजिए मैं एक हैंडीकैप्ड हूं, राइट, मैं विकलांग हूं, लेकिन मैं आता हूं ओबीसी में, तो यह मैं क्या हो गया, ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो गया। विकलांग हूं लेकिन मैं ओबीसी तो हूं, तो दो दो कैटेगरी मेरे साथ जुड़ गई। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ईडब्ल्यूएस का हूं और विकलांग भी हूं, तो देखिए कितना फर्क आ जाता है कि ईडब्ल्यूएस के जो यहां पर पीडब्ल्यूडी वालों की ओपनिंग रैंक यहां पर 2,68,000, मतलब 2,70,000 पर यहां पर हुई है, और यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, जनरल की, जनरल पीडब्ल्यूडी की, तो 46,000 पर ये हो गया है। तो इतना डिफरेंस आता है सिर्फ एक एक सर्टिफिकेट मात्र से, अगर आप उसमें भी गरीब है तो यहां पर इतना डिफरेंस आ गया। तो इसी तरीके से ये जनरल का दिया गया है कि क्लोजिंग कितने में हुई थी, जैसे जनरल वालों की 46,000 में हुई थी और क्लोजिंग हो गई यहां पर 61,000 में। सो अब ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की एक ही सीट थी जो कि मिल गई जाके 2,70,000 वाले को। अब आप समझिए कि क्या इतना बड़ा खेल होता है, तो ये सर्टिफिकेट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ईडब्ल्यूएस आप भी हो, ईडब्ल्यूएस हम भी हैं, राइट, सॉरी विकलांग आप भी हो, विकलांग हम भी हैं, लेकिन मान लीजिए वहां पर मेरे पास सर्टिफिकेट थे ईडब्ल्यूएस का, तो मैं आपसे 4 गुना ज्यादा रैंक पर, मतलब यहां पर आप देखिए कि मेरा कट ऑफ चला गया। सो इसी तरह से हम बार बार जल्दी जल्दी से इसी में बात करेंगे। ओबीसी की बात करें तो ओपनिंग की बात करें तो यहां पर आप देख ही रहे हो 2,54,000 पे, क्लोजिंग की बात करें अगर हम तो 2,59,000 पे यहां पर गई थी। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, एम्स बिलासपुर। तो एम्स बिलासपुर की बात कर लेते हैं, ये वीडियो जल्दी जल्दी से हमें खत्म करना है। अगर हम ओपन की बात करें, ओपन पीडब्ल्यूडी की, तो यहां पर 1,70,000 करीब गई है। ओपन ओबीसी की बात करें तो यहां पर ओपनिंग जो हुई थी रैंक 3,300, लाखों में बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई है ना यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के बारे में बताइए, तो फीस वाकई में बढ़ चुकी है। मैं बता दूं यूपी की सारे प्राइवेट कॉलेजेस की ऑलमोस्ट फीस बढ़ी हुई है, जाके आप उस वीडियो को जरूर देखना, तो वो लाख लाख बार बार रिमाइंड हो रहा है मेरे ध्यान में भी। तो 3,321 कहीं ना कहीं इस रैंक पर ओपन हुआ था
क्लोज जो है वो 4,767 पे क्लोज हो गया था। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 21,000 पे ओपन हुआ था, 31,000 पे क्लोज हो गया था। एसटी की बात करें तो यहां पर 47,000 पे कहीं ना कहीं ओपन हुआ था और 54,000 पर ये क्लोज हो गया था। सो चलिए अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी की बात कर लेते हैं यहां पर, तो चलिए एम्स गुवाहाटी में अगर आप देख पा रहे हो यहां पर ओबीसी में ओपन कब कितना हुआ था, ये 4,000 पे ओपन हुआ था और क्लोज हो गया 5,700 में। तो जब आप सेकंड राउंड का करेंगे तो थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड मान लीजिए, क्योंकि सेकंड राउंड में और भी 6,000 जैसे 5,760 हुआ तो ये 6,000 तक पहुंच जाएगा। तो एक रफ आईडिया आपको मिल जाएगा कि कितने में आप की रैंक, जिस भी कैटेगरी में आप हो, जितने भी उसमें आता है, तो आप कैटेगरीज वाइज इसका मिलान कर सकते हो, देख सकते हो, एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि मुझे सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एससी वालों के लिए तो 19,000 पे ओपन हुआ था, 39,000 तक गया, ये क्लोज हो गया 39,000 पे एससी वालों के लिए। एसटी वालों का 44,000 पे ओपन हुआ था और क्लोज कितना हुआ, 56,000 पे क्लोज हो गया। अगर हम बात करें यहां पर राइट जम्मू की, एम्स जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां ओपन जो हुआ था किसमें, ओबीसी में, वो हुआ था 4,800 पर। राइट, अगर हम बात करें क्लोज जो है वो यहां पर 6,000 पे क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर लगभग 10,000 पे ओपन हुआ था और क्लोज हो गया था 41,000 पर। एसटी की बात करें, ये 10,000 पे इतना कम पे ओपन होने का रीजन यही था कि जो बच्चा था वो जम्मू का ही था, उस एरिया का, उसको वहीं से करना था, दिस इज द रीजन। अदरवाइज इसका कट ऑफ थोड़ा सा आगे जाता है, हाई जाता है ओपनिंग में भी, तो इस बार कम गया है। एसटी की अगर हम बात करें तो 60,000 पे ये ओपन हुआ था, क्लोज भी 63,000 पे हो गया। राइट, चलिए राजकोट की बात कर लेते हैं, एम्स राजकोट की बात कर लेते हैं हम यहां पर। राइट, अगर इस कॉलेज की बात करें हम तो ओपन जो हुआ था किस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में। देखिए यहां पर देखते जाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कैटेगरीज है। राइट, यहां पर आपको अलॉटमेंट कैटेगरी और कैंडिडेट कैटेगरी। राइट, सो उसको किस उसमें ओपन हुआ था, तो यहां पर 2000 में, ये 2000 की रैंक में ओबीसी कैटेगरी ओपन हुई है, क्लोज जो हुई है वो 4000 पे क्लोज हो गई। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 23,000 में क्लोजिंग हुई है, 31,000 में। एसटी की बात करूं तो यहां पर 44,000 में ओपन हुई है, समथिंग 50,000 पे क्लोज हो गई है। अगर एम्स भोपाल की बात करें, काफी लोगों की चॉइस होती है ये, क्योंकि अगर हम एम्स दिल्ली की बात करें तो टॉप कॉलेजेस में ये आता है। राइट, एम्स यहाँ की बात करें, पटना की बात करें, तो ये ऐसा कोई रैंकिंग नहीं दी है एम्स की, लेकिन फिर भी ये टॉप उसमें आते हैं। राइट, चलिए अगर हम बात करें ओपन ओबीसी में ओपन कितना हुआ था, तो 200 पर ओपन हो गया था, 264 पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कि इसकी क्या, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि वाकई में रेपो है, टॉप लेवल में माना जाता है, क्योंकि फैसिलिटी दूसरी चीजें देखें तो हम बहुत अच्छी हैं, और यही एक रीजन है कि यहां पर ही क्लोज हो गया ओबीसी कैटेगरी में, कितने 1200 में, 1200 में क्लोज हो गया। अगर हम ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करें, देखिए अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, हैंडीकैप ओपन कैटेगरी में, ओबीसी अगर कोई पीडब्ल्यूडी है और ओपन कैटेगरी में, तो ओपन में 35,000 में और क्लोज जो हुआ है करीब करीब 68,000-70,000। हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। राइट, एससी की बात करें हम तो यहां पर 1000 में ओपन हुआ था, 1300 में ओपन हुआ था, क्लोज जो हुआ 6,700 में क्लोज हो चुका है। एसटी की बात करें तो 15,000 में ओपन हुआ था, क्लोज जो हुआ था वो 20,000 में हुआ था। अब ये भी जो है एससी की कैटेगरी की है जो शुरू हुआ, ये भी यहीं से है, लोकलाइज। कई बार क्या होता है कि बच्चों का मकसद, एक विजन होता है कि यार मैं यहीं पर हूं, मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना, दिस इज द, ये भी एक रीजन होता है कि कई बार बच्चे अपनी जोन सिटी को ध्यान में रखते हुए भी उन कॉलेजेस को चूज कर लेते हैं, जबकि उन्हें बेटर ऑप्शन मिल सकते थे उस रैंक पर भी। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, एम्स भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एससी वालों के लिए 6000 में ओपन हुआ था, 6300 में ओपन हुआ था और 7100 में करीब करीब ये क्लोज हो गया था। एसटी की बात करें तो 12,000 में ओपन हुआ था, 27,000 में क्लोज हो गया था। अगर हम बात करें एम्स हैदराबाद की, राइट, सो एम्स हैदराबाद में भी हम देख लेते हैं, यहां पर ओपन पीडब्ल्यूडी में, मतलब जनरल कैटेगरी से अगर आप हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो आपको यहां पर 59,000 में, सो 59,000 की अगर हम बात करें, 59,600 समथिंग आप मान लीजिए, क्लोजिंग जो है 1,18,000 में हुआ था। ओबीसी में ओपन जो है 1600 में ओपन हुआ था, 1629 में, क्लोज जो बात करें
4716 में। अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहां देखिए 210,000 में ओपन हुआ था, 264,000 में क्लोज हो गया। एससी की बात करें तो 12,000 में ओपन हुआ था, 33,000 में क्लोज हो गया। एसटी की बात करें 16,000 में ओपन हुआ था और करीब करीब ये चला गया 50,000 तक। सो जब आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आप इसको बड़ा मान सकते हो। अगर नेक्स्ट हम देवघर की बात करें, एम्स देवघर की बात करें, तो यहां पर हम इस कॉलेज को भी देख लेते हैं। राइट, ओपन कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 4,000 पे ओपन हुआ था और ये यू नो किस में, ओबीसी कैटेगरी में, और क्लोज भी ये 5,500 आप बोल सकते हो या 5,581 पर ये क्लोज हो गया। अगर हम बात करें ओपन पीडब्ल्यूडी में, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में अगर आप बात करें, ये अलर्टेड कैटेगरी है, ये कैंडिडेट कैटेगरी है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में हैंडीकैप में 227,000 पे ओपन हुआ है, क्लोज हो गया 273,000 पे। एससी कैटेगरी में 27,000 पे ओपन हुआ है, तो ये कॉलेज थोड़ा सा नीचे में माना जाता है, दिस इज द रीजन 27,000 पे हुआ है। और यहां पर एससी कैटेगरी में 41,000 पे क्लोज हो गया है। एसटी की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हो 58,000, जी हाँ 58,000 पर ओपन हुआ है, 65,000 पर क्लोज हो चुका है। एम्स गोरखपुर, अगर एम्स गोरखपुर की हम बात करें, राइट, सो एम्स गोरखपुर को भी हम देख लेते हैं। यहां पर ओपन जो हुआ था यहां ओबीसी में वो 1,644 पर, और यहां पर ओबीसी में क्लोज हो गया है 3,906 पर। राइट, अगर हम ओपन ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें, जो अलॉटेड कैटेगरी थी वो ओपन थी, 99,000 पर ओपन हुई, क्लोज हो गई 1,82,000 पर। एससी कैटेगरी में 23,000 पर ओपन हुआ है, 33,000 पर क्लोज हो गया। एसटी कैटेगरी में 16,000 पर ओपन हुआ है और 54,000 पर क्लोज हो गया। अगर हम बात करें जोधपुर की, एम्स जोधपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो चलिए इस कॉलेज को भी हम देख लेते हैं। एम्स जोधपुर की ओपन जो ओबीसी कैटेगरी में थी वो 399 पर, मतलब ये भी टॉप लेवल का कॉलेज आप मान सकते हो इसको भी एम्स में। सो ओपन जो हुआ था, देखिए किसी भी कॉलेज को कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें काफी रिसर्च भी करते हैं, तो आप एक आइडिया भी लगा सकते हो जिस कॉलेज की रैंक कम गई है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं एम्स में उनमें से टॉप है, क्योंकि ऐसी कोई रैंकिंग नहीं दी है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में क्लोजिंग की बात करें 1,200 पे क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप वालों के लिए 41,000 पर ओपन हुआ है और करीब करीब 70,000 तक गया है, तो आपकी अगर 70,000 तक रैंक है तो आप इसका लगभग लगभग सोच सकते हैं। एससी कैटेगरी बात करें तो यहां पर 1,100 पर ओपन हुआ था, क्लोज जो बात करें हम 7,840 पर। एसटी की बात करें तो 8,500 पर ओपन हुआ था, 15,000 पर क्लोज हो चुका है। अगर हम कल्याणी की बात करें, एम्स कल्याणी की बात करें, तो यहां पर हम देख लेते हैं जो ओपन कैटेगरी में जनरल पीडब्ल्यूडी है वो 98,000 पर ओपन हुआ था, 1,27,000 पर क्लोज हो गया। तो किस कैटेगरी में उन्हें मिली है ये भी मेंशन है। ओबीसी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अगर हम बात करें तो 1,789 पर ओपन हुई थी और 4,662 पर क्लोज हो चुकी है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 554 पर ओपन हुआ है और क्लोजिंग की बात करें एससी कैटेगरी तो 30,000 पर ये क्लोज हो चुका। आप सोचिए ये 554 जिसकी ओपनिंग रैंकिंग थी, ये कहीं और बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे से अच्छे कॉलेज इसको मिल जाते, ये ले सकता था। लेकिन समटाइम वही मैंने बताया कि कई बार बच्चे प्रेफर भी करते हैं अपने जोन को, अपने सिटी को जा नहीं पाते, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर 19,000 पर ओपन हुआ था, क्लोज जो हुआ 58,000 पर। राइट, अगर हम बात करें मदुरई, एम्स मदुरई की, राइट, से एम्स मदुरई को भी हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग की अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो ये 2,200 पर ओपन हुई थी, राइट, सो यहां पर 2,200 पर ओपन हुई है और क्लोज जो हुई है वो करीब करीब 6,000 पर क्लोज हो चुकी है। अगर एससी कैटेगरी बात करें तो 24,000 पर ओपन हुई थी, 43,000 पर क्लोज हो चुकी है। एसटी कैटेगरी में, एसटी में ये 60,000 समथिंग में ओपन हुआ था, 59,359 में, और क्लोज जो है वो 64,000 में क्लोज हो चुका है। तो नागपुर की बात और कर लेते हैं हम, चलिए एम्स नागपुर की बात कर लेते हैं। अगर इस कॉलेज की बात करें तो यहां पर जनरल पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप वालों के लिए 51,000 पे ओपन हुआ था, 96,000 पे क्लोज हो गया। ओबीसी कैटेगरी में ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो हम 1,200 पर ओपन हुआ था और करीब करीब 2,700 पर क्लोज हो गया। अगर हम ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो देखिए कितना फर्क आ जाता है ओपन और ओबीसी में ही, कितना फर्क आ गया। 61,000 पे तो ओपन ही हुआ था और ये जो 96,000 पे क्लोज हुआ है ये 200,000 पे क्लोज हो गया। सिर्फ एक आपके साथ दो कैटेगरी की, एक तो आप विकलांग है और ओबीसी भी है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी जब अलॉटमेंट होता है।
इस तरीके से होता है, चीजें बिल्कुल फेयर होती हैं, पहले से ही क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो आपको इन सारी चीजों को देखना है, अब जब नेक्स्ट ईयर आप सॉरी नेक्स्ट काउंसलिंग में सेकंड राउंड में अप्लाई कर रहे होगे तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही आपको कहीं ना कहीं कॉलेज चॉइस फिलिंग भरना है, क्योंकि जो कॉलेज आप भरोगे राइट, अगर आप अपडेट करते हो कुछ भी करोगे फ्यूचर में तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी राइट। ऐसा ना हो कि आप जिस कॉलेज में नहीं जाना चाहते उनको ही पहले डाल दें, तो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे टाइम टू टाइम। चलिए, एससी कैटेगरी ओपन जो हुआ था वो 2500 पर, क्लोज जो हुआ 19000 पर, एसटी कैटेगरी में 37000 पर ओपन हुआ, क्लोज हो गया 42000 पर। अगर भैया अब हम बात कर लेते एम्स न्यू दिल्ली की, तो एम्स न्यू दिल्ली की बात करें यार, जबरदस्त कॉलेज है, सबसे नंबर वन पर ही माना जाता है और यहाँ का कट ऑफ भी आप देखोगे कि सभी में बहुत ही कम गिरता है। पीडब्ल्यूडी वालों की भी चॉइस आप सोच लीजिए, जो बाकी एम्स में आपने देखा है ओबीसी वगैरह में, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो विकलांग के जनरल कैटेगरी में, उनको भी 2000 में ये कॉलेज क्लोज हो गया है, रैंक पर 2000 की रैंक पर क्लोज हो गया है। तो 3324 पर लगभग क्लोज हो गया है, 2800 पर ओपन था और 3300 पर क्लोज हो चुका है हैंडीकैप वालों का। तो अब आप समझ जाइए इस कॉलेज की रेपो। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख लीजिए, नंबर 6 जिसकी ऑल इंडिया छठी रैंक थी उसने इस कॉलेज को चूज किया है और 250वीं रैंक तक ये आते आते फिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ओबीसी में, ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों में भी आप देख रहे हो ज्यादा फर्क नहीं है, 3200 पर ये शुरू हुआ था, 18000 तक गया है, लेकिन क्लोजिंग में जबरदस्त बेनिफिट मिला है, इनको जंप मिली है और 18000 में ये क्लोज हुआ। अगर भाई साहब एससी कैटेगरी की बात करें तो 46000 पे ओपन हुआ है और 875 पर क्लोज हो गया, एसटी में भी 77 पर ओपन होके 4820 पर क्लोज हो चुका है। एम्स पटना राइट, तो ये भी मिड की रेंज में माना जाता है एम्स में। इस कॉलेज की भी अगर हम बात करें तो ओपन ये जो हुआ था ओबीसी कैटेगरी में वो 1300 पे और क्लोज हो गया 2200 पर। एससी कैटेगरी की बात करें तो 8700 पर ओपन हुआ था, क्लोज हो गया है 19000 पर। एसटी कैटेगरी में 24000 पर ओपन हुआ था, 38000 पर क्लोज हो गया है। अच्छा, जनरल पीडब्ल्यूडी विकलांग लोगों की बात कर ले अगर हम ओपन में, तो यहां पर 106000 पर ओपन हुआ था, क्लोज हो गया 113000 पर। अगर हम बात करें ओबीसी पीडब्ल्यूडी की तो ये भी आप देख रहे हो 163000 पर ओपन हुआ था और ये क्लोज हो गया 178000 पे। रायबरेली की और बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देखिए ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और जैसे कि अभी हमने पहले बताया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या फर्क है। ओबीसी एक पिछड़ी जाति में जैसे एससी एसटी होती है, तो ये जनरल वालों का ईडब्ल्यूएस है अगर सर्टिफिकेट है और आप हैंडीकैप भी हो, तो ये दोनों को डबल बेनिफिट यहां मिल रहा होता है। ओके, सो 1,00,000 पर ये कहीं ना कहीं ओपन हुआ था, 1,03,000 पर क्लोज हो गया, 2,63,000 पर। अगर हम बात करें ओबीसी की ओपनिंग क्लोजिंग तो 2700 पे ओपन हुई थी, 4,191 पर क्लोज हो चुकी है। अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी की हम बात करें राइट, सो यहां पर आपने देखा 1,83,000 पर ओपन हुआ था, 2,61,000 पर क्लोज हो चुका है। एससी की बात करें तो यहां पर 20,000 पर ओपन हुई थी और 33,000 पर क्लोज हो चुकी है। एसटी की बात करें तो 43,000 पर ओपन हुई थी, 53,000 पर क्लोज हो चुकी है। रायपुर, एम्स रायपुर की अगर हम और बात कर लेते हैं लास्ट राइट, चलिए सेकेंड लास्ट कॉलेज। सो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो 1300 पे ओपन हुआ था, 2000 पे क्लोज हो गया था। अगर हम ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 90,000 समथिंग पर ओपन हुआ है, 1,88,000 पर क्लोज हो चुका है। एससी की बात करें तो 7200 पर ओपन हुआ है, वो क्लोज हो गया है 14,000 पर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 29,000 पर ओपन हुआ है, 35,000 पर क्लोज हो चुका है राइट। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, एम्स ऋषिकेश की, तो ये लास्ट कॉलेज है हमारा। इस कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं राइट, इसके बाद एक और बचा हुआ है राइट। ओके, सो इस कॉलेज की अगर हम सबसे पहले देखें तो ओपन जो हुआ था जनरल हैंडीकैप वालों के लिए बात कर रहे हैं, हैंडीकैप वालों के लिए 63,000 पे ओपन हुआ था, 84,000 पर क्लोज हो गया। ओबीसी वालों के लिए 1,066 पे ओपन हुआ है, 1,600 पर क्लोज हो गया है। और अगर हम बात करें ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ये जनरल पीडब्ल्यूडी थे, ये ओबीसी के बाद हैंडीकैप वालों के लिए 84,000 पर ओपन हुआ था, 96,000 पर क्लोज हो गया। एससी वाले यहां पर 7,100 पर ओपन हुआ है, 11,000 पर क्लोज हो गया। एसटी वालों के लिए 20,000 पर ओपन हुआ है, 27,000 पर क्लोज हो गया है राइट। जी हाँ, ये सारे एम्स है जो हमने आपको बता दिए। सो इन एम्स में
आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, आप सेकंड राउंड में आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, इनका थोड़ा बहुत हाई ही जाएगा राइट। लेकिन कई बार जो पीडब्ल्यूडी की बात होती है तो देखो यार यहां पर होता है अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में आपने पहले भी देखा जहां पर जो कॉलेज 1-1 हजार पर क्लोज हो रहे थे वहां पीडब्ल्यूडी में 2-2 लाख भी रैंक गई है, सो यहां अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये तो आपका मतलब लक ही है, उड़ के कई बार लग जाती है राइट। सो आपको जाना चाहिए, पीडब्ल्यूडी वालों को तो सारे कॉलेज भर देना चाहिए सेकंड राउंड में भी। सो उनकी एक अलग तरीके से काउंसलिंग होती है, वो भी हमने चैनल पे बताई है। कुछ और पूछना चाहते हो तो आप पूछो हक से, और सेकंड राउंड में भी अगर, क्योंकि हमने पहले ही बताया राहुल सर काउंसलिंग में काफी बिजी थे एंड दिस इज द रीजन मैं अब उसको संभाल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में किसी तरह से राहुल सर की मदद या 1-to-1 काउंसलिंग करना चाहते हो, नीचे गूगल फॉर्म भर दो राइट, आप भर दो और गूगल मीट पे काउंसलिंग हो जाएगी। बाकी जो पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं, अब आपको जो भी सवाल जहन में उठ रहा है पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।